वेलकम फ्रेंड, आज हम लोग देखेंगे कारपेंट्री से रिलेटेड वर्क और उसके टूल्स। ओके, तो देखिए हम लोग काम कर रहे हैं विंडोज़ फ्रेम पे। ओके, तो विंडोज़ फ्रेम के आज कुछ टर्मिनोलॉजी और उसके कुछ इक्विपमेंट्स के बारे में मैं आपको क्लियर करूँगा। ओके, तो देखिए ये हमारा, ये आप देख रहे हैं, ये कुछ आप स्ट्रक्चर यहाँ पर देख रहे हैं। ओके, और ये है जो विंडो में हमारा जो पार्ट्स होता है, ये उसको ये वहाँ पे हम लोग फिक्स करते हैं। ओके, तो मैं आपको पहले विंडो के बारे में पहले आपको बताता हूँ। ओके, देखिए ये विंडो हुआ। ओके, ये विंडो हुआ, तो जो इसका बॉटम जो होता है, जो बॉटम उसको बोलते हैं सिल। ओके, सिल लेवल बोलते हैं, जहाँ पे हम लोग विंडो, आप देखते हैं जब भी हम लोग ब्रिकवा करते हैं तो हम लोग सिल लेवल छोड़ते हैं। ओके, मतलब सिल लेवल के ऊपर हम लोग विंडो स्टार्ट करते हैं, तो ये सील लेवल के ऊपर हम लोग इसका फ्रेम फिट करते हैं। ओके, तो ये जो बड़ा फ्रेम देख रहे हैं, जो आउटर देख रहे हैं, वह फ्रेम है, वह उसको फ्रेम बोलते हैं। ओके, तो फ्रेम का जो बॉटम पार्ट होता है उसको बोलते हैं हम लोग सील, और जो टॉप पार्ट होता है उसको बोलते हैं हम लोग हेड। ओके, तो देखिए इसको बोलते हैं हम लोग सील। ओके, और जो इसका जो टॉप पार्ट जो दिख रहा है उसको बोलते हैं हम लोग हेड। ओके, अब चलिए आपको ये जो तीन फ्रेम है, ये इसके मैं आपको बताऊं क्या होता है। इसको बोलते हैं हम लोग स्टाइल, ये दोनों का स्टाइल बोलते हैं। इसके नीचे वाले को इसको बोलते हैं हम लोग बॉटम रेल बोलते हैं, और इसके टॉप वाले पर जो टॉप के जस्ट नीचे है, मतलब इसी का पार्ट है, उसको बोलते हैं हम लोग टॉप रेल बोलते हैं। ओके, इसको बोलते हैं बॉटम रेल, और उसको टॉप वाले को बोलते हैं टॉप रेल। ओके, चलिए मैं नेक्स्ट इसमें देखता हूँ। इसमें एक बात आप देखिए, ये जो है जो फ्रेम हुआ बहुत बड़ा, ये फ्रेम में जो ये वाला पार्ट्स जो लगता है, ये वाला पार्ट्स, इसको बोलते हैं मूटिन स्टाइल। ओके, देखिए ये हमारा कुछ पार्ट है। ओके, इस पार्ट में मैं बताता हूँ, इसको बोलते हैं हम लोग बॉटम रेल, आगे वाले को बोलते हैं उसको टॉप रेल, इसको बोलते हैं हम लोग स्टाइल, ये दोनों के स्टाइल बोलते हैं। ओके, तो आप देख सकते हैं ये जो डिप्रेशन है, आप जो साइड साइड में डिप्रेशन देख रहे हैं, इसको फिक्स करने के लिए, जैसे ग्लास फिक्स हो गया या फिर कुछ फिक्स करेंगे, तो इसमें हम लोग ग्लास फिक्स करेंगे, तो ये जो डिप्रेशन जो होता है इसको बोलते हैं हम लोग रिबेट, इसको हम लोग रिबेट बोलते हैं। ओके, तो आप इसमें एक ये देखिए, ये तो आपका जो क्लियर हो गया इसका पार्ट्स। ओके, तो और एक बात आप लोग देख लीजिए, इसमें हम लोग जब ग्लास फिक्स करते हैं ना, तो एक केमिकल का यूज करते हैं। ओके, तो केमिकल का जो हम लोग यूज करते हैं उसको बोलते हैं हम लोग पुट्टी। ओके, तो पुट्टी जो होता है, पुट्टी बनता है लिंसिड ऑयल प्लस जो वाइट चौक का जो पाउडर होता है उसको मिलाकर हम लोग पुट्टी बनाते हैं। ओके, और ये मतलब मैन्युफैक्चर्ड हुए भी आता है, डायरेक्ट मार्केट से हम लोग लेकर, एशियन पेंट का भी आता है और फिर बहुत सारे पेंट्स का आता है। ओके, तो हम लोग यहाँ पे इसको यूज करते हैं। ओके, और प्लस एक केमिकल आता है इसका, इसके सरफेस स्मूथनिंग के लिए। ओके, तो ये पूरे सरफेस पर हम लोग लगाते हैं ताकि ये हमारा स्मूथ भी रहे और प्लस लॉन्ग लाइफ भी रहे। ओके, इसका लाइफ बढ़ जाए। ओके, तो उस केमिकल का कुछ मैं आपको दिखाता हूँ, उस केमिकल को मैं आपसे अवेयर कराता हूँ। देखिए ये है हमारा केमिकल। ओके, ये है वुडटेक मेलामाइन। ओके, प्रीमियम वुड फिनिश। ओके, ये है वुड को फिनिश देता है। ओके, तो इसके बाद इसका आप देख लीजिए कुछ, ये बहुत बेहतर क्वालिटी का होता है, एशियन पेंट्स का है। तो आप इसको देखिए 900 ml ये नेट है हमारा, ये आपका स्पेसिफिकेशन मैं देखता हूँ। इसमें देखिए यहाँ पे 900 ml, होप आप देख पा रहे हैं, 900 इसमें दिया हुआ है, 900 ml बेस टू बी मिक्स्ड विथ 100 ml हार्ड एनर। ओके, इसमें 100 ml हम लोग हार्ड एनर यूज करते हैं। ओके, जो इसके साथ इंक्लूसिव आता है। ओके,
जब आप ये ख़रीदिएगा तो हार्डनर भी मिलेगा। ओके, ये हमारे वुड को बहुत अच्छा फिनिश देता है। ओके, तो आपका क्लियर हो गया दो केमिकल। यहाँ पुट्टी यूज किए आप लोग इस डिप्रेशन में, पुट्टी यूज किए और इसको पूरे सरफेस पे ये यूज करते हैं स्मूथ करने के लिए। ओके, चलिए आपका क्लियर हो गया। और देखिए कुछ इक्विपमेंट्स के बारे में आपको क्लियर करता हूँ। देखिए ये कुछ इक्विपमेंट्स है। ओके, तो इक्विपमेंट्स में देखिए ये जो है हमारा, ये होता है, इसको बोलते हैं चीसेल। ओके, तो इसको हम लोग चीसेल बोलते हैं और ये चीसेल जो होता है वह कटिंग के लिए यूज होता है। ओके, तो इसमें बहुत सारे टाइप होते हैं। ओके, ये भी चीसेल है आपका, ये भी चीसेल है, दो चीसेल का, राउंड टाइप का होता है, फ्लैट टाइप होता है चीसेल। ओके, कुछ चीसेल होता है इलेक्ट्रिकल टाइप। ओके, तो वो आपका इलेक्ट्रिकल से काम किया जाता है। ओके, इसको बोलते हैं हम लोग मेसन, मेसन स्क्वायर। ओके, इसको आप बोलते हैं हम लोग हैंड सॉ। ओके, जो हैंड से कटिंग करते हैं तो इसको हम लोग हैंड सॉ बोलते हैं। ओके, इसको हम लोग बोलते हैं जैक प्लेन। ये हम लोग का सरफेस को स्मूथ करता है। और इसमें जब आप देखिएगा लकड़ी का भी कुछ आता है जिसमें हम लोग इसका ब्लेड यूज़ करते हैं तो उसको बोलते हैं ब्लॉक प्लेन, क्योंकि उसमें ब्लॉक यूज किया जाता है, उसको ब्लॉक प्लेन उसको बोला जाता है। बट इसको बोलते हैं हम लोग जैक प्लेन। ओके, ये आप देखते हैं, ये आपका कटर मशीन हो गया। ओके, इसका जो काम हुआ सेम, ये जो आप जो इसका जो काम हुआ सेम इसका काम होता है। ओके, ये इलेक्ट्रिकल फीचर्स हैं, ये आपका हैंड से करना पड़ेगा। ओके, तो होप आपको कुछ क्लियर हो गया होगा इसके पार्ट्स के बारे में। इक्विपमेंट्स देख रहे हैं, ये आपका सरफेस को स्मूथ करता है, ये एक अच्छा फिनिश देता है। ओके, और आप सरफेस को स्मूथ करने के लिए आपके पास फाइल्स भी आता है, रेस फाइल्स, रेस भी बोलते हैं उसको, तो आप वो यूज करते हैं, यूज कर सकते हैं। ओके,